हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन फर्नेस पे जो फार्मा लगता है, जो फार्मा हम बनाते हैं उसको कैसे मार्किंग करते हैं और कैसे बनाते हैं, क्या उसका फार्मूला है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू मेक फर्नेस फार्मा, फर्नेस फार्मा कैसे बनाते हैं, चाहे वो एक प्लेट हो या चाहे दो प्लेट में हो, पूरी डिटेल्स में हम जानेंगे, उसको मार्किंग करके मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात किए हैं फर्नेस फार्मा कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक फर्नेस फार्मा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं फार्मा हमारा किस साइज का बनाना है। तो चलिए मैं एक फार्मा के डायग्राम बना लेता हूँ। ये हम एक फार्मा का डायग्राम बना लिए हैं और इसका मतलब ऊपर वाला भाग हम रख लेते हैं, एक मान लेते हैं हम 50 इंच है इसका, और बॉटम का इसका हम मान लेते हैं 45 इंच, ठीक है। और ये हमारा लेंथ जो हाइट है इसको हम मान लेते हैं 70 इंच मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा फर्निश, हाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम अभी टेपर नहीं लगाए हैं, इसमें हमारा ये टेपर भी लगता है, टेपर हो चाहे मान लीजिए हमारा 8 इंच हो या 6 इंच हो, 10 इंच हो या 12 इंच हो, मतलब कहीं कहीं अलग अलग साइज का टेपर हमारा लगता है, इसके बाद से हमारे यहाँ से ये टेपर लगता है, ठीक है। तो हम अभी इसमें टेपर नहीं लगा रहे हैं, टेपर का हम नहीं निकाल रहे हैं अभी हम केवल मतलब हम फार्मा बना रहे हैं, अभी फार्मा बनाएंगे, ठीक है। तो यहां तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं इसका फार्मूला का कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, और मार्किंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला इसका होता है D1 गुणे H बटा D1 माइनस D2। तो इसका फार्मूला हमारा D1 गुणे H हो गया और D1 माइनस D2। तो ये हमारा D1 क्या है अब यहाँ देखते हैं। तो D1 अब आइए फार्मा के पास, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। D1 होता है हमारा टॉप और D2 होता है हमारा बॉटम और H मतलब हमारा ये हाइट, यानी फार्मे की हाइट क्या है, फर्मे की यहाँ से इसकी लेंथ क्या है, ये हमारा ये हाइट हो गया और D2 हमारा फर्मे का बॉटम हो गया और D1 हमारा फर्मे का टॉप हो गया। तो D1 तो हमारा 50 इंच है गुणे हाइट, हाइट क्या है हमारा, हाइट है 70 इंच। अब बटा में D1 तो हमारा 50 इंच है और माइनस D2 हमारा कितना मान के रखे हैं, ये 45 इंच है।
ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट हम करते हैं, करने के बाद आता है हमारा 3500। तो ये हमारा हो गया 7535 और 00, ये हमारा हो गया 3500। अब बटा में ये हमारा 50 इंच है और ये 45, तो हमारा माइनस है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको ये बटा है तो इसको भाग दे देंगे हम। ठीक है, 3500 में 5 से हम भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 700 इंच। ठीक है, आप यहाँ तक तो अब समझ में आ गया होगा कि D1 गुणे H D1 माइनस D2। ठीक है, तो D1 हमारा क्या है 50 यानी फर्मे का टॉप, और गुणे और 70 क्या है हमारा हाइट यानी फर्मे की हाइट, और उसके बाद बटा में हमारा 50 माइनस 45 यानी 45 हमारा फर्मे का बॉटम है और 50 हमारा फर्मे का टॉप है और 70 हमारा फर्मे की हाइट है। तो ये 50 गुणे 70 किए तो हमारा ये 3500 आया है यानी 3500, उसके बाद बटा में अब ये हम माइनस किए हैं तो हमारा कितना है 5 इंच। तो जब इसको हम भाग फिर देंगे तो ये हमारा आ गया आंसर यानी 700 इंच आ गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक डाउट कोई भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम मार्किंग करते हैं, चाहे आपका एक प्लेट हो या दो प्लेट में बनाना हो, तो चलिए मैं मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक प्लेट बना लेते हैं, ये हमारा एक प्लेट हो गया। ये हमारा प्लेट हो गया। अब आपका आपके पास प्लेट एक भाग में हो कोई बात नहीं है, अगर दो भाग में है तो आपका यहाँ से आपका दो भाग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हम आपको दो भाग में है तो दो भाग में, एक भाग हो या दो भाग हो आपको वेल्डिंग मार के दो एक भाग में कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे कोई हमारा दिक्कत नहीं है, आप इसको वेल्डिंग मार के आप दो भाग में कर एक भाग में कर लीजिएगा। ये हमारा यहाँ प्लेट हम बना लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्लेट का सेंटर लेंगे, जो भी है आपका वो सेंटर ले लेंगे। तो इस सेंटर मान लीजिए हम ये रख लिए, और नीचे भी है ऐसे भी है, हम एक सेंटर रखेंगे, यहाँ सेंटर रख लिए। ठीक है, तो इस सेंटर से हमारा कितना 700, ध्यान दीजिएगा 700 इंच आया। अब यहाँ से आप एक हम पंच मारेंगे, थोड़ा सा पांचवें में या नीचे करके आप प्लेट से जो लास्ट एंड है प्लेट का वहाँ से हम एक सेंटर पंच मारेंगे। अब यहाँ से टेप्स की सहायता से हम इसको मापेंगे, यहाँ से हमारा कहाँ पे आ रहा है 700 इंच। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये आ गया 700 इंच, एक सेंटर हम यहाँ मारेंगे, सीधी लाइन हमको मारना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल हमारा ये सीधा लाइन होगा इस सेंटर से, इस सेंटर से और यहाँ तक, ये सीधा लाइन हमारा हो गया। तो ये 700 इंच हमारा ये सेंटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको घुमाएंगे डिवाइडर को, ध्यान दीजिएगा डिवाइडर को हम यहाँ से घुमा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक ये डिवाइडर हमारा घुमा दिए। ठीक, अब इसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, अब हमारा इसकी फर्मे की हाइट कितना हम रखे हैं 70 इंच। अब इस सेंटर से हम 70 इंच मार्किंग करेंगे, 70 इंच मान लीजिए हमारा ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 70 इंच डिवाइडर ये तो यहीं पर रहेगा, या आप ध्यान दीजिएगा जो हमारा है,
अब 70 इंच ये सेंटर से 70 इंच यहाँ माइनस कर लेंगे। ये सेंटर पे हमारा तो जो नीचे वाला सेंटर है ये हमारा एक ही जगह पर रहेगा, इसको यहाँ से यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ हम 70 इंच कर लिए, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये भी हम घुमाएंगे, ठीक है। ये हमारा घूम गया, इसको हम पहले आपको मैं बताया हूँ, ये सीधा लाइन हम मार देंगे यहाँ से, ठीक है, ये सीधा हमारा लाइन रहेगा। अब इसके बाद तो है हमारा यहाँ से तो डिवाइडर घूम गया है, अब ये सीधा लाइन हमारे यहाँ तक रहेगा, तो ये तो हमारा डिवाइडर घूम गया है। अब हमारा क्या है, साइज तो हमारा 50 इंच है और 45 इंच है, 50 इंच हमको राउंड करने पे यहाँ पे हमारा टॉप का 50 इंच आना चाहिए और नीचे का 45 इंच आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब उसको हम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 50 × 3.142, ये हमारा 3.142 यानी ये क्या है, तो ये हमारा होता है जो हमारा पाई होता है, ये पाई का मान होता है, पाई का मान होता है, सॉरी 22/7 होता है। तो जब इसको हम भाग करते हैं, काटते हैं, तो ये हमारा आता है 3.142, ठीक है। तो ये हमारा 50 हो गया, तो 50 को हम इसको गुणा किए हैं तो हमारा कितना आ रहा है, एक सौ सत्तावन पॉइंट वन इंच, ठीक है। अब इसको 157.1 इंच में हम क्या करेंगे कि 157.1 इंच भागे दो, 157.1 इंच भागे दो, क्योंकि हमको यहाँ से तो आधा दो भाग में हमको मापना है ना, सेंटर से आधा इधर मार्किंग आप मापना है टेप से और आधा इधर मापना है, ठीक है। तो भागे दो, तो अब इसका देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 78.5 यानी 78.55 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा टॉप का निकल गया है। अब हम निकालते हैं 45 यानी हमको 45 यानी फर्मे का बॉटम का निकालना है, तो इसको भी वैसा ही हम करेंगे 3.142, ठीक। तो इसको हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, यानी इसका हम गुना करेंगे तो 141.39 इंच, 141.39 इंच आ रहा है, ठीक है। अब 141.39 इंच में यानी 141.39 इंच में हम भागे इसमें भी दो कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम भागे दो करते हैं, तो भागे दो करने के बाद हम देखते हैं कितना आता है। तो इसमें हम भागे करने के बाद हमारा आ रहा है 70.69 यानी 70.69 इंच आ गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारा निकल गया, ठीक है। तो आइए अब इसको हम देखते हैं फर्मे को कैसे काट के। तो ये देखिए हमारे यहाँ से कितना आया है टॉप का, 78.55 यानी 78.55 इंच आया है। तो उतना हमको यहाँ से सेंटर से टेप घुमा के हमको नापना है, कहाँ तक कि जहाँ हमारा 78.55 आ रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए हम यहाँ तक आ गया, और दूसरे को भी उसी हिसाब से इस सेंटर से 78.55 मापना है। तो ये कहाँ आ रहा है, मान लीजिए आप घुमा के टेप यहाँ से नापेंगे तो यहाँ आ गया। अब इसके बाद आपको
नीचे का भी वैसा ही, इस सेंटर से हमको 70.69 ऐसे टेप घुमा के आप नापिएगा, यहाँ पे आएगा, और इसको भी यहाँ से घुमा के नापिए, आपको यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आपको डाउट होगा तो क्या करिएगा, आप टेप से पूरा एक बार यहाँ से घुमा के नापिएगा, आपका 157.1 इंच आएगा, ठीक है। और इसको भी वैसे आप नाप लीजिएगा, 141.39 इंच आ गया, ठीक। तो ये हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से हम धागा से यहाँ सीधा लाइन मार देंगे, इसको भी यहाँ से सीधा लाइन यहाँ मार देंगे, तो ये हमारा, ये तो हमारा मार्किंग मिट जाएगा। जब हमारा प्लेट निकल गया है तो ये हमारा जो हमारा प्लेट है, ये हमारा प्लेट फर्मे का निकल गया है, ठीक है। बाकी ये हमारा बेस्ट प्लेट हो गया, ये भी बेस्ट प्लेट हो गया, इधर भी बेस्ट प्लेट है, और ये भी बेस्ट प्लेट हो गया है। तो ऐसे हम फर्मे का दो भाग में हो, एक भाग में हो, तो उसको हम इस तरह से निकालते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।